बारी मथे घृत हो ही बरु शिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव यह सिद्धांत जपेल कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। भगवान रामलला की कृपा प्रसाद का प्रसाद प्राप्त हो गया है। अब रामराज की कल्पना मन में उत्पन्न हो गई है, उस रामराज को साकार करने के लिए वनवासी आदिवासी से लेकर के समस्त लोगों के घर जाकर के हम लोग भगवान रामलला के संदेश को देंगे, क्योंकि बिना सुंदर राजा के रामराज संभव नहीं है। जब कंस राजा था तब क्या होता था, जब राजा ही दुर्ग्राही होगा, राजा पापी होगा, राजा दुष्टात्मा होगा, रात्मा पापात्मा होगा तो पाप होगा, और राजा धर्मात्मा होगा तो पुण्य होगी, यश होगी, कीर्ति होगी, वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, ज्ञान होगा, सम्मान होगा, उपासना होगी, साधना होगी और भारत का गौरव बढ़ेगा। तो हमें सुंदर से धीरवीर योग्य राजा की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम चाहते हैं हमारा जो राजा है वह सुरक्षित भी रहे, स्वस्थ भी रहे, आरोग्य भी रहे और हमारी राज्य भी संपन्न रहे। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सब यहां से मंगल कामना करते हैं कि आप मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाभ्याय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। आप चक्रवर्ती हो, महाराज दशरथ की तरह पूरा विश्व रामलला के इस कृपा को प्रसाद को प्राप्त करे, भारत विश्वगुरु बने। समाज ने एक संकल्प लिया, हम वही हैं, आपकी आन है, शान है, पहचान है, जीवन की धारा है, व्यवस्था है, तंत्र है, आपके आपके पूर्वज हैं, बुलाते हैं आपको, चले आइए, भूले हैं, भटके हैं कहीं से, तो ये भारतवर्ष है, इस गंगा में नहा जाइए, कहां भटके हो, कहां पड़े हो, यह देश बुलाता है आपको। रामराज्य में सबका आह्वान हो रहा है, भारत के गौरव बढ़ाने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संकल्प के लिए, स्वाध्याय के लिए, चिंतन के लिए, जप के लिए, मनन के लिए, उपासना के लिए और भारत सरकार को मजबूत करने के लिए एक मत हो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए मतदान करें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर बनाएं कि भारत विश्वगुरु बने। स्वाभाविक है, श्री राम जन्मभूमि के संकल्प के पूर्ण होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत, जिस प्रकार 31 जनवरी को काशी ज्ञानवापी के तल गृह में पूजा का निर्णय आया, उससे हिंदू समाज और संतों में बेहद खुशी है और ज्ञानवापी को लेकर के जो रवैया मुस्लिम समाज ने अपनाया कि वो न्यायालय को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो आज चर्चा का जो विषय है वो यही है कि क्या वो खुले युद्ध की चुनौती दे रहे हैं तो हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि युद्ध से भागा नहीं जा सकता, अगर युद्ध के लिए वो तैयार हैं तो हम भाग भी नहीं सकते, तो कायरता से मरने से बेहतर है युद्ध लड़ा जाएगा। परंतु हम संवैधानिक ढांचे में विश्वास रखते हैं, संविधान पर, न्यायपालिका पर हमारा विश्वास है और उसी कारण से हम जो है आज चर्चा करके सारे पूज्य संतों से, और माघ मेला हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है, प्रतिवर्ष संत सम्मेलनों में यहाँ पर हम चर्चा करते रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन भी यहीं से खड़ा हुआ था, ज्ञानवापी का भी यहीं से खड़ा होगा और कृष्ण जन्मभूमि भी यहीं से पूर्ण होगा। हर एक सवाल और है कि 2024 में एक अच्छा गिफ्ट के तौर पर मिला है राम मंदिर, किस तरह साधु संत देखते हैं और किस तरह इसका वेलकम करेंगे मोदी जी? वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे पाप के भी प्रायश्चित हैं, परंतु कृतघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो हिंदू समाज कृतघ्न नहीं है और श्री राम जन्मभूमि का गिफ्ट जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, मोदी जी ने जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बढ़ के हिस्सा लिया, तो एक रिटर्न गिफ्ट बनता है। वह रिटर्न गिफ्ट ये है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में वापसी पिछली बार से ज़्यादा लोकसभा सीटों के साथ हो, ये संतों की तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी को हम देंगे। क्या साधु संत लोगों के बीच में जाके मोदी जी के लिए प्रचार भी करेंगे? हम मोदी जी के लिए नहीं, हम सनातन धर्म के लिए करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है वो सनातन धर्म के लिए किया है, इसलिए हम सनातन धर्म का सम्मान बना रहे, इसके लिए जो भी करना आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की है, जो एक तरह से राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है और इसको प्रतिबंधित करने की जरूरत है, संतों को जागृति करने की जरूरत है। धर्मांतरण रुकेगा तो राष्ट्र सुरक्षित, अखंड और समृद्ध होगा। यहाँ के व्यक्ति को धर्मांतरण कर
उनके मन मस्तिष्क को बदलकर इस देश के विरुद्ध खड़ना बहुत बड़ा देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इस पर नियंत्रण कंट्रोल होना चाहिए जिससे संविधान का पालन हो सके, और यहाँ के लोगों को अगर बदल के इस देश के विरुद्ध खड़ा करेंगे तो इसके कठोर कानूनों की ज़रूरत है। उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त किया जाए, उसको जेल में डाला जाए और संपूर्ण मौलिक अधिकारों से ऐसे लोगों को वंचित कर दिया जाए, तभी ये देश का धर्मांतरण जैसे पलायन राष्ट्रांतरण के रूप में है रुकेगा। महाराज जी, काशी और मथुरा को लेकर के भी संतों का क्या मत? वो तो न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जो न्यायालय का निर्णय होगा वो सनातन हिंदू समाज को स्वीकार होगा। हम कोई कानून या संविधान का उल्लंघन नहीं करने वाले हैं। सनातनी बड़े सहनशील, धैर्य और धीरता से ही सब काम करते हैं, और न्यायालय में सत्य में वो जयते, सत्य की सदैव विजय हुई है और विजय होगा। असत्य अधर्म का सदैव पलायन और अंत हुआ। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।